नमस्ते, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम दोस्तों। मैं जहाजुल दीवान एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात को आपसे शेयर करते हुए कहते हुए कि हमारे जो चैनल है पॉपुलर एकेडमिक, इसको आप लोगों ने इतना पसंद किया। केवल 3 दिन के अंदर हमारे कई वीडियो को 20,000 से अधिक लोगों ने देखा है और लगभग 3,000 घंटे से ऊपर वॉचिंग टाइम हो गया है इस चैनल का। तो ये एक बहुत खुशी की बात है हम सब के लिए, ख़ास करके जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए लोग हैं, कि हम लोगों ने जो मेहनत की थी उस मेहनत का फल, उस मेहनत की जो उद्देश्य था वो सफल हुआ। और कहीं ना कहीं जो आगे आने वाले दिन है उसमें हम जो काम करना चाहते, जो योजना है हमारे पास, उसके लिए भी हमारा मनोबल दृढ़ हो रहा है। ये जो एपिसोड आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसका उद्देश्य है कि बहुत सारे दोस्तों ने एनटीए के बारे में बहुत फीडबैक दिया है और लगातार उन्होंने मुझे इसके बारे में पूछ रहे हैं कि किस तरह से इस चीज़ में सुधार लाया जाए। कुछ लोग अपने कटअप्स के बारे में भी अगेन पूछ रहे हैं, तो उनको भी हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। और मैं सबसे पहले कुछ कमेंट्स को पढ़ना चाहूँगा जो यहाँ पे आए हुए हैं। PSD कमेंट करते हैं, ओ जनाब, वो ऐसे ही शो होता है, तभी मॉक टेस्ट दी गई थी NTA की वेबसाइट पर, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। PSD साहब, आपकी बात तो मैं मान लेता, लेकिन अधिकांश जो कैंडिडेट है जो इसकी कमेंट में आगे पढ़ने वाला हो, उन्होंने सब ने कहा, हो सकता है कि आप जिस सेंटर में पढ़े थे, जिस सेंटर में आपका एग्ज़ाम था, उस सेंटर में हो सकता है कि चीज़ें बिल्कुल सही थी, लेकिन अधिकतर लोग जो इसके वजह से परेशान थे और जिनकी वजह से लोगों के कट ऑफ में कमी आई, मतलब मार्किंग स्कोरिंग में कमी आई, वो एक तरह से देखा जाए तो NTA की जो गड़बड़ी है उसी के वजह से। तो ये जो अगला कमेंट है उसी में ये बात साबित हो जाती है। इन्होंने कहा, सागिर अहमद साहब, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही फरमाया भाई साहब, आपने बिल्कुल सही वीडियो बनाया है। ये प्रॉब्लम मुझे भी हुई, जिस वजह से DI और पैरा कंप्रिहेंशन बहुत प्रॉब्लम हुई, इस पर एक्शन होना चाहिए। एक्शन तो हम लोग क्या ले सकते हैं सर, हम लोग तो बस ये बात ही पहुंचा सकते हैं कि इसमें गड़बड़ी हुई है। और जैसे कि मैंने पहले वीडियो में ही ये कहा था कि जो DI वाला क्वेश्चन है और जो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत कैंडिडेट्स हुई, जिसकी वजह से वो सही सही आंसर नहीं कर पाए। और बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम देते ही ये शिकायत करनी शुरू कर दी और मेरे पास फ़ोन आया, बहुत सारे लोगों ने वर्बली पर्सनली मिल के भी उससे बात की और इस खामी के बारे में बताया आपने, बिल्कुल। इसलिए हम सागिर अहमद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारा जो अनुमान है, उस अनुमान को उन्होंने पुख्ता साबित किया। राजू सावंत लिखते हैं, बिल्कुल सही, मतलब उनको भी इसमें दिक्कत हुई। सबा कुलसुम लिखते हैं, राइट सर, मतलब उनको भी ये दिक्कत हुई। नाजिया राइट खानम कमेंटेड, मतलब राजिया खानम है कोई मोहतरमा, उन्होंने भी यही लिखा कि राइट, मतलब उनको भी ये दिक्कत हुई। कल्पना पाठक लिखते, 178 मार्क्स ज्योग्राफी जनरल, एनी चांस फॉर नेट, लेट मी चेक कल्पना, वेट ए मिनट, आई वुड लाइक टू चेक, मेरे पास वो अभी पड़ा होगा, मैं देखना चाहता हूँ। कट ऑफ ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी की बात करें तो हम ज्योग्राफी को देखते हैं, पिछले साल ज्योग्राफी की क्या स्थिति थी।
जियोग्राफी जियोग्राफी इसलिए साल 55 और 64% पे जेरफ हुआ था पिछली बार और 55 पे नेट हुआ था, तो 71, 78 मैं एक बार आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, आप एक मिनट वेट करिए, मैं हमारे साथी है उनसे मैं पूछ के फिर आपको इस पर एक, क्योंकि इस फील्ड के जो है मतलब इस सेक्शन के जो एक्सपर्ट है मैं उसको उससे बात करके आपको ये बताता हूँ कि आपका आपकी क्या स्थिति है, और फिर आगे के कमेंट को हम पढ़ते हैं। शिवमूर्ति शर्मा कमेंटेड, बिल्कुल सही बात है शिवे मूर्ति, हाँ उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, और NTA नेट का एग्ज़ाम सिस्टम ठीक नहीं था, ठीक है, तो NTA सिस्टम नेट का एग्ज़ाम ठीक नहीं था। 178 है आपका, और इसमें आपका परसेंटेज अभी देखते हैं, 178 परसेंटेज में आपका कितना होता है, हमारे साथ ही इस पर काम कर रहे हैं, आप एक मिनट वेट करिए। तो 59.33 है परसेंटेज पिछले बार, मतलब आपका जो है 59.33 है, तो आपको इसमें कोई शक नहीं है कि आपका नेट तो इस बार हो ही जाएगा, इससे आपका मार्क्स 178 ज्योग्राफी जनरल एनी चांस फॉर नेट, कल्पना पाठक आपका नेट इस बार हो जाएगा, इसमें कोई चांस कोई दोराई नहीं है, और अगर आपका लक आपका साथ दिया तो हो सकता है इस बार आपका जेरफ भी हो जाए, लेकिन आप नेट के लिए तो निश्चिंत रहिए, नेट आपका हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, वासुदेव गोराई कमेंटेड, ओबीसी एजुकेशन कितना होगा सर? ओबीसी एजुकेशन में ओबीसी एजुकेशन का पिछले वगैरह जो कट ऑफ था वो लेक्चरशिप के लिए ओनली लेक्चरशिप के लिए 46% था, और जेआरएफ के लिए 56% था, तो आप मान के चल सकते हैं जो परसेंटेज पिछले बार गया था उसी तरह का परसेंटेज इस बार भी जाने की चांस है, या उससे थोड़ा सा, क्योंकि ये एकदम लो कट ऑफ है, और किसी कारण से हो सकता है पिछली बार इतना परसेंटेज कम गया हो, तो इस बार भी इससे कम परसेंटेज की उम्मीद करना मुश्किल है, तो आप मान के चलिए अराउंड यही 56% का जेआरएफ, 56-57% जेआरएफ, 48-49% नेट, इस तरह का आप एक हिसाब मान के चलिए कि इस बार का एग्ज़ाम में होने वाला है। और मुनी लाल शाह लिखते हैं, यू आर राइट बॉस, मतलब ये जो NTA का कंडक्टिंग में जो प्रॉब्लम हुआ वो प्रॉब्लम उनको भी हुई, मुनीलाल शाह जी बहुत अच्छा लगा आपने हमें फीडबैक दिया। राजू मंडल कमेंटेड, में एक इंटर कॉलेज खोलना चाहते हैं, कैसे खोले आप? ये तो है सर, इंटर कॉलेज आप कैसे खोलेंगे तो सरकार ये बताएगी, लेकिन आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना चाहिए, खास करके जो कॉलेजेस है इन सब का जो परमिशन है वो स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट से परमिशन मिलती है इन सब चीज़ों के लिए,
तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से, अगर किसी मंत्री मिनिस्टर से आपका आपकी जान पहचान है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। और किसी ने हमारे इस पोस्ट को लाइक भी किया है, शुक्रिया राहत। अगर कोई जानकारी आप आपके पास है तो मुझे भेज दीजिए। किसी ने जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया है मुझे, लेकिन जनाब व्हाट्सएप नंबर में भेज दूंगा मैं, लेकिन आप यूट्यूब इस चैनल को फॉलो करते रहिए तो आपको सारी जानकारी वैसे भी यहाँ से मिल ही जाएगी, तो आपको इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें किसी ने ये कमेंट किया है, शायद ये हमारे जो साथी ने वीडियो बनाया था एपिसोड, उस एपिसोड पर है। मैम सलमान अहमद लिखते हैं, मैम 21 का इवनिंग टाइम का फर्स्ट पेपर की आंसर की प्लीज़ बनाइए। 21 का फर्स्ट, एक्चुअली क्या है ना, हमें पेपर नहीं मिल पाया है। एक्चुअली आप लोग भी बहुत सारी चीज़ों में इस बार बहुत बिजी थे, जिसकी वजह से बहुत डिटेल में इसमें काम नहीं कर पाया, मतलब जितना समय निकल पाया उतना ही काम किया। तो 21 का फिर भी हम कोशिश करेंगे, अगर होता है 21 का पेपर अगर मिलता है तो सलमान साहब आप हमसे कांटेक्ट में रहिए और आपको हम पर्सनली भेज देंगे, मेल कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आएगा तो इसमें कमेंट करके आपको हम आपका डिटेल ले लेंगे और वहाँ से आपको ये भेज देंगे। एसएससी कमेंट लिखते हैं, मैं फीडबैक में यही लिखा था, मतलब ये महोदय है जिन्होंने ये लिखा था कि कोई प्रॉब्लम होने वाला है और इसको एनटीए सुधारे, लेकिन लेकिन आपका फीडबैक पर शायद गौर किया जा रहा है या आगे भी इस पर कुछ कार्रवाई होगी। मिथुन राम लिखते हैं, ऑनलाइन बैन कर दो भाई प्लीज़, मतलब ये चाहते कि ऑनलाइन एग्जाम ही ना हो। मिथुन राम कमेंटेड, इसको बैन तो नहीं हम कहेंगे क्योंकि सिस्टम तो बहुत अच्छा है, तो इसको बैन करने के बजाय बल्कि जो सिस्टम है उसमें सुधार की ज़रूरत है और उसमें जो गड़बड़ियाँ हुई है उस गड़बड़ियों को दूर कर दिया जाए तो सिस्टम बहुत, ये जो तरीका है एग्ज़ाम का बहुत अच्छा। आप ये सोच सकते हैं कि पहले 6-6 महीने बाद नेट का रिजल्ट आता था और आज देखिए आप एग्ज़ाम देने के कुछ दिन बाद ही आपको आंसर की वगैरह सब तुरंत तुरंत मिल जा रहा है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो रिज़ल्ट है, जिस 10 तारीख की घोषणा की गई है कि 10 तारीख को रिज़ल्ट आएगी, परिणाम आएगा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये 7-8 तारीख तक ही आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि ये मेरा अनुमान है, लेकिन आप देखिए। लेकिन 10 तारीख से पहले आ तो जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है। हमें तो ना, मुझे एनटीए का क्वेश्चन भी बहुत गलत है, हिंदी में 4 क्वेश्चन श्योर गलत है। हाँ, इसमें इस बात से मैं सहमत हूँ, क्वेश्चन तो मैंने भी देखा है, बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे, लेकिन उन क्वेश्चंस को फिर जो रिव्यू के लिए दिया गया है, इसीलिए रिव्यू के लिए दिया गया है, तो रिव्यू में जो क्वेश्चन गलत दिखा रहा है या स्टूडेंट जो रिव्यू के लिए जो भेजेंगे, तो उन क्वेश्चंस को फिर वो फीडबैक उसको ड्रॉप कर देते हैं, यूजुअली ड्रॉप कर देते हैं, या तो फिर वो जो मार्क्स है, जो 4 क्वेश्चन का 8 मार्क्स है, वो सबके खाते में जोड़ दिया जाता है। तो ये एक सिस्टम है और भारत एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, धीरे धीरे इन सब सिस्टमों को डेवलप कर रही है, तो हमें थोड़ा धैर्य के साथ काम लेना चाहिए। गलती तो बहुत हुई है, हालांकि इतनी गलती की उम्मीद नहीं थी, फिशर के साथ खिलवाड़ हो गया बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन हमें आगे कैसे इस व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है उस पर भी सोचना चाहिए। मोहम्मद हारून खान लिखते हैं, क्या एनटीए की वेबसाइट पर कट ऑफ आ गई है या नहीं? नहीं, ये कट ऑफ तो अभी नहीं आई है, कहीं कट ऑफ तो रिजल्ट के साथ ही आएगा, तो अभी आप उसके लिए इंतज़ार करें। मैंने एनटीए का मॉक टेस्ट के बाद ये फीडबैक में लिखा था, कॉम्प्रिहेंशन और डीआई में प्रॉब्लम है, आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने देखा भी होगा ये। शिवानी जायसवाल जी आप सही लिखते हैं, क्योंकि इतना लाखों लोग फीडबैक देते हैं, तो हो सकता है कि वो सारे फीडबैक पर पर्सनली गौर ना करें। तो
लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए और आपने जो कदम उठाया था उस पर फिर से एक बार आपको आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए। अशोक ठाकुर लिखते हैं, आई ऑल्सो फेस द सेम प्रॉब्लम सर, नॉट जस्ट इन डी आई बट इन द अदर क्वेश्चन टू। मतलब ये देखिए कितनी बड़ी कितना बड़ा ये प्रॉब्लम है कि हर एक कैंडिडेट इस प्रॉब्लम को फेस किया, हर एक कैंडिडेट ने इसको फेस किया और बहुत सारे लोग हो सकता है कि जिनको बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला था कि वो शायद इसी प्रॉब्लम की वजह से इससे पिछड़ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा देश है और इसमें इतने सिस्टम में इतने लोग लगे हुए हैं और इसमें इस तरह की लापरवाही होती है। तो निशा सिंह कमेंट करती है, लक्ष्मी नारायण लाल वाले क्वेश्चन में एक भी ऑप्शन सही नहीं है तो चैलेंज कैसे करें। चैलेंज करने का जो तरीका है और वो तो आपका टाइम निकल गया है, हालांकि मैं अनफॉर्चुनेटली ये कमेंट आपका थोड़ा बाद में देख पा रहा हूँ। चैलेंज करने का जो तरीका था वो यूजीसी मेरी आंसर की है, आंसर की से आपको वही से आपके डैशबोर्ड में जाके आपके अकाउंट से उसको चैलेंज करना था पर क्वेश्चन 1000 रुपये पेमेंट करके। तो अब उसका तो सिस्टम चला गया है तो इस पर अब बात करने का कोई खास फ़ायदा नहीं है। नवेद सिंगरा सिंह, अच्छा अच्छा नवदीप सिंह राठौर लिखते हैं, तो हिंदी को इंग्लिश में रोमन में लिखने में पढ़ने में दिक्कत होती है कई बार। सर हेल्प कीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नेट क्लियर करने के बाद आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर बनने का क्या प्रोसेस है और इसके पेपर का पैटर्न क्या है, सभी बात विस्तार से बताइए। आरपीएससी उस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग पीसीएस की जो तैयारी है इसके माध्यम से, पीसीएस के माध्यम से लेक्चरर बनने की जो तैयारी है और वो तैयारी कैसे करेंगे और किस तरह से सफलता हासिल की जा सकती है, इन सारी चीज़ों पर हम विस्तार से इसके बाद ही नेट NTA इस प्रोजेक्ट के बाद ही हम लोग उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करेंगे। और RPSC कॉलेज लेक्चरर के लिए हमारे पास बहुत रिसोर्सेज है, बहुत लोग हैं अभी हमारे साथ जो काम कर रहे हैं। तो नवेद साहब आप थोड़ा इंतज़ार करिए, 10 तारीख के बाद हम इस विषय पर ज़रूर काम करेंगे और आपको लगातार मदद करेंगे। अब जुड़े रहिए और पॉपुलर एकेडमिक चैनल के बारे में लोगों को बताइए, सारे दोस्तों को कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसमें जुड़े रहे। और सब लोग जैसे हम लोग जानते हैं कि आने वाले ज़माना जो है वो बिल्कुल ही ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक और न्यू मीडिया का होने वाला है। तो इस जनरेशन के लोग हैं हम लोग, तो हमारी अधिकतर सारी चीज़ों की तैयारी इंटरनेट के माध्यम से ही होगी। तो हम लोग भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और एकेडमिक जो एकेडमिया है उसको पूरी तरह से इंटरनेट के साथ जोड़ के काम करने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो नवेद साहब आप चिंता ना करें, आप RPSC भी क्लियर करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, आपको बस थोड़ी सी इंतज़ार करनी होगी, हम ही लोग आपको मदद करेंगे ये थोड़ी देर 10 तारीख के बाद। कृष्ण कुमार लिखते हैं, OBC हिंदी 58 JRF चांस है, देखते हैं सर OBC हिंदी 58 हिंदी। OBC पिछले बार 63% गया था लेकिन 58 पे थोड़ा सा JRF का चांस कम है, मुझे लगता है कि 61% पे इस बार JRF होना चाहिए OBC का, क्योंकि जो JRF की संख्या है वो पहले से कम कर दिया गया है जिसके वजह से, नहीं तो हो सकता है 58 पे आपका JRF हो जाता, लेकिन इस बार 60 का जो बाउंड्री है वो तो आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा या उसके आसपास आपको पहुँचना पड़ेगा। तो कृष्ण कुमार साहब अगले बार के लिए भी आप अच्छे से तैयारी करें। पापोरी दौले आई थिंक पापोरी दौले यू आर फ्रॉम असम,
Hi, I have 47% in home sciences at ST category. Am I qualified? Home science. Home science. होम साइंस पे एसटी कैटेगरी पे आप देखिए 46% पिछली बार 46% पे डेट हुआ था, तो 46% पिछली बार नेट हुआ था। तो पापोरी दौले आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका डेट तो इस बार हो जाएगा, इसमें कोई दोराई नहीं है, लेकिन जेआरएफ के लिए शायद अगली बार के तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अच्छी तैयारी के साथ। और हिंदी का कट ऑफ ऑफ कितना होगा ओबीसी में, वही मैंने जैसे बता दिया आपको, हिंदी का कट ऑफ कोई शिव कुमार जी फिर से पूछ रहे हैं। अंकित पुरोहित ये कमेंट करते हैं, हिंदी में कोई क्वेश्चन गलत है जैसे आचार्यों के कालक्रम का प्रश्न विभाजन से संबंधित? हाँ, जो क्वेश्चन गलत है उसको चैलेंज लोगों ने किया होगा और वो क्वेश्चन डेफिनेटली जैसे ड्रॉप कर देगी या तो मार्क्स आपको फाइनल रिजल्ट में ऐड कर देंगे। तो अंकित पुरोहित जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। गुड़िया गुप्ता लिखते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही है, आधा पैराग्राफ शो हो रहा था जिसने बड़ा टाइम कंज्यूम किया, इस वजह से बाकी क्वेश्चन पर स्ट्रेच पड़ा। ये सही है, सही कह रहे हैं गुड़िया गुप्ता जी अब कि ये जो मतलब ये प्रॉब्लम तो सभी ने फेस किया है, आपने भी फेस किया, तो ये वाकई में बहुत बड़ा प्रॉब्लम और बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। रानवाल लिखते हैं, 42% एनवायरमेंटल साइंस ओबीसी कैटेगरी, लेक्चरशिप हो जाएगा क्या सर? रानू लेट मी चेक, ओबीसी कैटेगरी आपका 46% है ना? ओबीसी कैटेगरी लेट मी चेक वंस, रानू आपका कैटेगरी है और ओबीसी आपको मिला है 42%। रानवाल जी 42% इज टू लेस परसेंटेज और इस परसेंटेज पे नेट होना बहुत मुश्किल है, पिछली बार भी 46% किया था, तो आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है, आप अगले बार अच्छे से तैयारी करके दीजिए। अनुमान को कमेंटेड, सर आई हैव टोटल 160 मार्क्स, आई एम मैनेजमेंट जनरल कैटेगरी, मे आई गेट नेट? 160 मार्क्स मैनेजमेंट 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 आपका है क्या है 160 मैनेजमेंट जनरल कैटेगरी, तो आपको परसेंटेज है 53,
53% पे जनरल, हाँ पिछले बार 52 पे नेट हुआ है, तो इस बार काफ़ी चांस है आपका नेट होने का, काफ़ी चांस है, इसमें कोई दोराय नहीं है। अनुमल को आप शायद ऑलमोस्ट श्योर रहिए कि आपका नेट तो इस बार हो ही जाना चाहिए, क्योंकि पिछले बार का कटअप भी बहुत ज़्यादा नहीं गया था, तो आपका नेट होने की काफ़ी चांस है इस बार। अगर तकदीर साथ ना दे तो फिर हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो, अदरवाइज आपका नेट इस बार हो जाएगा। शाम्भवी कंचारापू, शाम्भवी कंचारापू लिखते हैं हिंदी ओबीसी 190 मार्क्स जेआरएफ मिलेगा। इसमें तो मैंने पिछले बार पिछले जो एपिसोड है उसमें कमेंट किया था, ऐसा कुछ नहीं है, इम्प्रेस विद द एग्जाम कॉन्डक्ट पॉइंट, इट वॉज रियली नो चांस टू लीक पेपर करप्शन इन एग्जाम, आई एम इट प्रोफेशनल, आई एम गिवन सेवरल एग्जाम बट नेवर एक्सपीरियंस। सुमंत करंटेड, ऐसा कुछ नहीं है, आई एम प्रेस विद द एग्जाम कॉन्डक्ट बाई एन टी, इट वॉज रियली सो आप सुमंत, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वेदर यू स्टैंड फॉर व्हाट, कि आप किसके लिए खड़े होते हैं, किसके पक्ष में खड़े होते हैं, किसके विपक्ष में खड़े होते हैं, लेकिन बट द मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ एन टी नेट दे फेस्ड ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम, सो वी कैन नॉट डिनाई देयर ऑब्जेक्शंस बिकॉज दे आर टेलिंग एंड दे आर सफरिंग। एक्चुअली दिस इंसिडेंट विल अफेक्ट द एंटायर रिजल्ट ऑफ द यूजीसी नेट, सो आई एम लिटिल बिट ऑफ, आई कैन स्टैंड विद यू, आई कैन एग्री विद यू ए लिटिल बिट, बट आई कैन नॉट टोटली एग्री विद यू बिकॉज द अदर कैंडिडेट्स दे आर टॉकिंग, वी कैन नॉट इग्नोर देयर कॉमेंट्स, वी कैन नॉट go against the mass people, so it's a contradiction with you and me and the others, so let's see the thing. Shambhavi Kanchapuriya 190 marks, 190 OBC 190 mein aapka हिंदी, देखिए पिछले बार जितना मार्क्स आपको मिला था उतने मार्क्स में पिछली बार जेआरएफ हुआ है, तो इस बार भी चांस है, काफी चांस है इस बार जेआरएफ होने की, तो आप शाम्भवी जी आप बहुत हद तक उम्मीद कर सकते हैं कि आपको जेआरएफ मिल जाए, बस इंतज़ार करिए रिजल्ट का। मनश्री घोषाल कमेंट्री, सोशियोलॉजी का कितनी कट ऑफ होगी, आंसर की तो बहुत गलत है, अब कट ऑफ पिछले बार जो था उसकी तुलना में क्या कट ऑफ होना चाहिए, पिछले बार जो सोशियोलॉजी का कट ऑफ था वो 68% पे जे आर एफ अनरिजर्व्ड, 68% जे आर एफ, 58% नेट ओ बी सी, 64% जे आर एफ, 52% नेट एस सी, 59% जे आर एफ, 48% नेट एस टी, 62% जे आर एफ, 47% नेट पी डब्ल्यू डी, 56% नेट, 56% जेआरएफ, 42% नेट पी डब्ल्यू डी एच आई, 47% जेआरएफ, 35% नेट पी डब्ल्यू डी ओ डी, 40% जेआरएफ एंड 39% नेट। तो ये था आपका रिजल्ट का, तो दोस्तों ये थी आपकी जो कमेंट्स आपने जो हमारे साथ शेयर किया, और
अपने व्यूज़ को हमें जानने दिया, फीडबैक्स दिया, और इन फीडबैक्स के बतौर हम भी आगे कुछ करना चाहे, कुछ एनटीए को कुछ लिखना चाहे, तो इन फीडबैक के बतौर और ये जो एपिसोड है इसके बतौर हम दे सकते हैं। कल एग्ज़ाम को मतलब क्वेश्चंस आंसर को चैलेंज करने का आखिरी दिन था, और अभी देखिए यूजीसी कब तक रिजल्ट को ये पहले फाइनल आंसर की वो रिलीज़ करेंगे, फाइनल आंसर की के बाद फिर वो रिज़ल्ट आउट करेंगे। और मुझे लगता है कि 10 तारीख तक इंतज़ार नहीं कराएगी यूजीसी एनटीए, बहुत जल्दी रिज़ल्ट आ जाएगी। हालांकि 10 तारीख तक इंतज़ार करना पड़े तब भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि पहले तो महीनों महीनों तक हम लोग इंतज़ार करते थे, अब तो इतने जल्दी सब कुछ हो रहा है। तो जो कुछ भी गड़बड़ियाँ हुई उन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए भी हमें लगातार फीडबैक, और ज़रूरत पड़े तो हमें चिट्ठी भी लिखनी चाहिए हायर अथॉरिटी को। और ये बात जो हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे 21,000 लोगों ने हमारे वीडियो को देखा, तो उनमें से कोई ना कोई एनटीए के से जुड़े हुए लोग भी होंगे जो देख रहे होंगे और अपने डायरेक्टली अपने अथॉरिटी से बात करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करते हुए, और इस तरह से लगातार कमेंट देते रहिए। समय समय पर तमाम व्यस्तताओं के बावजूद समय समय पर मैं आपके कमेंट्स के जवाब दूंगा, और आगे आने वाले दिनों में हम पीसीएस के थ्रू, पीसीएस एग्ज़ाम के थ्रू लेक्चरर बनने का जो तरीका है, जो एग्ज़ाम से उसकी तैयारी कैसे की जाती है, उसे लगातार आप लोगों को अवगत कराएंगे। कुछ एक्सपर्ट्स से भी हम एपिसोड बनवाएंगे, और फिर JNU एंट्रेंस पर लगातार मैं अपडेट देता रहूँगा। JNU एंट्रेंस और अदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें MPhil PhD की तैयारी के लिए जितने जिस प्रकार की कोर्स मटेरियल और सारी चीज़ों की जिस तरह की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ों की जानकारी भी हम देते रहेंगे। और लगातार देश भर में जितने अच्छे अच्छे सेमिनार्स होते हैं उन सेमिनार्स के वीडियो भी आपके यहाँ हम अपलोड करेंगे, और हमारे देश के जितने भी प्रतिष्ठित कवि फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, ऑल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड, ऑल लैंग्वेजेस विल रिकॉर्डेड ऑफ देयर वॉइस एंड विल अपलोड इन द चैनल। सो प्लीज़ बी विद अस, और एकेडमिक्स में और बेहतर करने के लिए लगातार आप हमें फीडबैक देते रहिए कि क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत है, क्योंकि सारे ज़रूरतों के बारे में हमें मालूम नहीं होता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग लगातार फीडबैक के माध्यम से हमें पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए भी आप आलोचना कर सकते हैं, बट पॉजिटिव फीडबैक इंसान को आगे कुछ करने के लिए प्रेरणा देती है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग पॉजिटिव फीडबैक्स के जरिए हमें अवगत कराए, और आगे आने वाले दिनों में और बेहतर सेवा के लिए हमें मौका दे। तो मैं पॉपुलर एकेडमिक परिवार की तरफ से आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, और आगे मिलने के वादे के साथ इस वीडियो को, इस एपिसोड को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।